नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश आपका स्वागत करता हूँ शैलेश एंड एनएच क्यू में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा दोस्तों एक्वेरियम के बिजनेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक्वेरियम जिसे हम मछली घर कहते हैं, लेकिन दोस्तों एक्वेरियम ग्लास से बना हुआ होता है जिसमें हम मछली रखने के लिए इसे तैयार करते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका यूज बहुत जगह पर होता है, जैसे कि घर में होता है, घर में डेकोरेशन और डेकोरेशन के लिए इसे रखते हैं, घर में होता है, होटल में होता है, दोस्तों रेस्टोरेंट में होता है। और दोस्तों अगर कोई अगर मछली का बिजनेस करता है तो दोस्तों उसे भी मछली रखने के लिए एक्वेरियम का यूज़ करता है। इसके वजह से दोस्तों एक्वेरियम का अगर देखा जाए तो मार्केट में काफ़ी डिमांड है और दोस्तों बहुत से जने एक्वेरियम का बिजनेस करके भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेते हैं। दोस्तों एक्वेरियम को आप घर में भी बना सकते हैं। दोस्तों आप इस तो आज इस वीडियो में एक्वेरियम के बिजनेस के बारे में ही दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आएंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरह से वीडियोस की अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस में रोजाना लेके आते रहते हो जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं एक्वेरियम के बिजनेस के बारे में। दोस्तों अगर देखा जाए तो मार्केट में बड़े आसानी से एक्वेरियम मिल जाता है। दोस्तों आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो अगर आप इसे खरीदने के लिए जाते हैं तो यह 2 फीट के साइज़ का करीब करीब 4 से 5 हज़ार रुपये का मिलता है। लेकिन दोस्तों आप इसे आसानी से घर में बना सकते हैं। घर में बनाने के लिए सिर्फ आपको इसके रॉ मटेरियल और इसके अच्छी क्वालिटी की तरफ और दोस्तों बनाते समय कुछ सावधानियाँ बरतनी होती है, उसकी तरफ ध्यान देना होता है। और दोस्तों इसे आप बना के अपने घर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप घर में एक्वेरियम को रखना पसंद करते हैं या फिर आप इसके शौकीन हैं, आप घर के सजावट डेकोरेशन के लिए आप घर में रख सकते हैं। और अगर आप इसे सेल भी करना चाहते हैं तो अगर आप बिजनेस के हिसाब से अगर देखते हैं तो अगर इसे आप सेल करना चाहते हैं तो आप इसे सेल भी कर सकते हैं। बात करते हैं एक्वेरियम को बनाने के लिए लगने वाले रॉ मटेरियल के बारे में। सबसे पहले आपको शीशे का प्लेट लगता है, उसके लिए पेस्टिंग गन शीशे को चिपकाने के लिए लगता है, और टेप की आवश्यकता होती है, सिलिकॉन की आवश्यकता होती है, रंग बिरंगे पत्थर लगती है, एक रंगीन पोस्टर लगता है, और वाटर प्लांट सजावट के लिए लगता है, और एयर पंप लगता है पानी को स्वच्छ रखने के लिए। साथ ही आपके पास एक थर्मामीटर पानी का जो तापमान है वो नापने के लिए, इसके लिए आपको एक थर्मामीटर लगता है और थर्मोस्टैंड भी लगता है। और दोस्तों आपको फिल्टर पानी को साफ करने के लिए आवश्यकता होती है और हीटर ठंडी में पानी को गर्म रखने के लिए आवश्यकता होती है, साथ ही एक एयरेटर की आवश्यकता होती है। अब तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप मछली घर बनाने के किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके ज़रूरत के अनुसार आपको एक्वेरियम का आकार डिसाइड कर लेना होता है, और अपने नज़दीकी ग्लास की दुकान में जाकर एक आपने जो आकार डिसाइड किया है उसके ग्लास प्लेट को कटवा लेना होता है। ग्लास कटवाते वक्त ध्यान दे कि ग्लास के जो छोर होते हैं उसको घिसवा दे, जिससे कि ग्लास की धार खत्म हो जाए और आपको काम वगैरह करते समय आपका हाथ कटने का डर नहीं रहे। और दोस्तों अब आपने एक्वेरियम के लिए यूज़ होने वाले ग्लास को अच्छे से साफ कर लें, और इसके निचले हिस्से के प्लेट को रख कर बाकी के प्लेट्स को इसके आकार के अनुसार अरेंज कर लें। इसके बाद दोस्तों अब नीचे वाली ग्लास के चारों तरफ किनारे से 2 mm छोड़कर सिलिकॉन का एक पतला पट्टी लगा दें, और सिलिकॉन की पट्टी लगाते समय ध्यान रहे कि इसका जो डायमीटर है वो 3 mm का होना चाहिए। अब एक्वेरियम के साइड के भाग वाले प्लेट्स को सिलिकॉन की पट्टी के साथ खड़ा कर दें, और इसे पेस्टिंग गन की सहायता से चिपका कर किनारे पर टेप का यूज़ कर दें। इसी प्रकार बाकी सभी प्लेट्स को चिपकाएं और अंदर से चारों तरफ किनारों पर सिलिकॉन को लगाकर बाहर वाली जो किनारों पर टेप का यूज़ करें, और इसे 2-3 दिन के लिए छोड़ दें। 2-3 दिन के बाद इसमें पानी डालकर देख ले कि एक्वेरियम में किसी भाग से पानी बह तो नहीं रहा है, यह देख लें। और जब यह देख लेते हैं उसके बाद में सबसे पहले इसके तल्ली में रंग बिरंगी पत्थर को लगा दें। पत्थर लगाने के बाद इसमें थोड़ा पानी डालकर इसमें सारे सजावट के जो सामान आपने लाए हैं उसको लगा दें। अब इसके पिछले हिस्से वाले प्लेट के जो पीछे वाला ग्लास है उसके बाहर पर रंगीन पोस्टर चिपका दें। इन सभी के बाद मछली की आवश्यकता के अनुसार एक्वेरियम में पानी डालें, और अब आप एक्वेरियम के साइज और अपने इच्छा के अनुसार इसमें रंग बिरंगी मछलियाँ डालें, और इसे अपने मनपसंद जगह पर रखकर अपने कमरे या घर के रौनक को बढ़ाएं, या पर दोस्तों इसे मार्केट में सेल के लिए निकाल दें। वीडियो एक्वेरियम के बिजनेस के बारे में।
ऐसा नहीं कि दोस्तों एक्वेरियम का बिजनेस ही आपका बिजनेस ही कर सकते हैं। इसको आप अपने घर में जो अगर आप डेकोरेशन के अगर शौकीन है तो अपने डेकोरेशन के डेकोरे घर के सजावट के लिए भी आप इसे बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हुए आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसके बारे में आपके दिल में कुछ भी ज़्यादा सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि अक्सर मैं इस तरह की वीडियोस लेके आते रहता हूँ जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब जैसे आप करते हो उसके बाजू में एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसे प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।